पाकिस्तान का कश्मीर राग उसे ले डूबा। सऊदी ने जैसे ही पाकिस्तान से हाथ खींचे वहां चीजों के दाम आसमान छूने लगे। इतनी महंगाई आ गई कि इमरान ने सऊदी के पैरों में गिरने की कोशिश भी शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में भी आग लग गई है। तो चलिए शुरुआत करते इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुस्लिम देशों के नेता बनने की कोशिश में पाकिस्तान को दिक्कतें हो गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन और तेल की आपूर्ति करने से जैसे ही मना किया वहां हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में महंगाई ने हर किसी को भुखमरी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, दबाव के चलते पाकिस्तान को सऊदी अरब का $1 अरब का कर्ज चुकाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इतने से भी सऊदी अरब का दिल नहीं पसीजा। उसने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरब से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, यानी यहां से निकाला जाए, जो नौकरी उन्हें दी हुई है उनसे छीन ली जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश दूसरे देशों के फेंके टुकड़ों पर पलता हो उसको मिलने वाले टुकड़े ही बंद हो जाएं तो उस देश का क्या हाल हो सकता है। वैसे तो हमें मालूम है कि जनता को भी पता है कि पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, पर यहां से जानना बेहद जरूरी है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से संबंध खत्म करने के बाद वहां क्या हाल है। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान में वैसे तो समय की मार इतनी पड़ चुकी है कि दाल से लेकर नमक तक, सब्जी से लेकर आटे तक सब महंगा है। कोरोना संक्रमण के बाद से ही पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सबसे पहले एक नजर उन चीजों की कीमतों पर डाल लीजिए। गेहूं के दाम ₹100 किलो, ₹100 किलो जो यहां पर 20 से ₹25 किलो है भारत में, वहां ₹100 किलो है। मूंग की दाल ₹260 किलो जो भारत में सिर्फ ₹80 किलो है। चने के दाम ₹160 किलो का तक छू गए हैं। चीनी सोस ₹180 किलो बिक रही है। टमाटर जो महज भारत में ₹20 किलो है वो वहां पर ₹300 किलो में बिक रहा है। दूध के रेट भी ₹100 से ₹150 किलो के करीब जा पहुंचे हैं। तकरीबन हर सब्जी ₹100 से ₹200 किलो के बीच ही बिक रही है। तो हर साल पाकिस्तान जब खाने के लिए ही जुगाड़ नहीं कर पाएगा तो बाकी तरक्की करना तो बड़ी दूर की बात है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हालांकि चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अभी हाल ही में चीन समर्थित AIIB बैंक ने पाकिस्तान को $25 करोड़ का लोन देने का ऐलान भी किया। लेकिन इसके बावजूद महंगाई पाकिस्तान में आसमान छू रही है। और सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोह भंग हुआ, तब से तो महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले तेल पर रोक लगा दी है, जिससे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल है। आखिरकार किस तरह से पेट्रोल के दाम जो 96.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, ये पहले बहुत कम थे, 90 रुपए के आसपास थे, जो अब तेजी से बढ़ गए हैं। आप समझिए कि तेल आएगा नहीं तो अंजाम क्या होगा, कीमतों का पारा कितना बढ़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में पाकिस्तान क्या करेगा, वही जो हमेशा से करता आया है, माफी और भीख ही मांगेगा। प्रधानमंत्री इमरान खान अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब की नाराजगी उसे काफी भारी पड़ सकती है, इसीलिए अब नाराज पुराने मालिक को मनाने के लिए जनरल बाजवा को भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाजवा इफ्तार ने न्यूज एजेंसी राइटर को बताया कि जनरल बाजवा सऊदी अरब जा रहे हैं, यानी अब मान मनवल का दौर भी शुरू होगा, जिससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कंगाली के कगार पर आ चुका है और इसी से बचने के लिए वो सऊदी अरब के पैरों में गिरने को भी अब तैयार हो गया है। कैसे उसको मनाता है, कैसे सऊदी अरब मानेगा भी या नहीं, ये भी खबर अगर जो भी आएगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात तो करते रहेंगे। नमस्कार।